दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूँ फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 21 नवंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लिख रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। कोरोना से बचाव के लिए देश और दुनिया में वैक्सीन के विकास पर जोर शोर से काम चल रहा है। यह इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री अनिल विज को कोरोना वैक्सीन लगाया गया है। दरअसल कोरोना से बचाव के लिए भारत की सरकारी कंपनी भारत बायोटेक की वैक्सीन का आज से तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हुआ है, जहाँ इसी क्रम में मंत्री अनिल विज ने वैक्सीन लगवाई है। जी हाँ, वह उन वॉलंटियर्स में शामिल है जिन पर तीसरे चरण में इस वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। जी हाँ, तीसरे चरण में इस वैक्सीन का करीब 26,000 लोगों पर ट्रायल किया जाना है। भारत बायोटेक द्वारा विकसित इस वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन है, जहां उन्हें कल सुबह 11 बजे अंबाला के एक अस्पताल में टीका लगाया गया है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यस बैंक ने लोगों को अलर्ट करते हुए कहा कि अगर आप किसी भी रजिस्टर्ड ब्रांड का नाम या फिर लोगों का बिना परमिशन के इस्तेमाल करते हैं तो ये दंडनीय अपराध है, जहां और इसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। आपको बता दूं कि कई बार लोग अपना छोटा बिजनेस या फिर कोई भी काम शुरू करते हैं तो किसी भी फेमस ब्रांड का नाम या फिर लोगों का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके के लोगों के खिलाफ अब से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान रोजगार एक बड़ा मुद्दा बना था। महागठबंधन की ओर से सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया तो युवाओं ने उन्हें जमकर समर्थन दिया। हालांकि महागठबंधन की सरकार बिहार में नहीं बन पाई, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर नई सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। जहां नए वर्ष में बिहार में बड़ी संख्या में युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने की संभावना है। मिली जानकारी के अनुसार ये संख्या करीब 2 लाख के आसपास होगी। इसमें सहायक प्रधान अध्यापक, शिक्षक, बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, जूनियर इंजीनियर, दारोगा, सिपाही समेत दर्जनों पद शामिल है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी ने कहा है कि नीतीश कुमार पर जनता ने विश्वास किया है और वे फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश ने कोई गलती नहीं की है, शराबबंदी करके उन्होंने अच्छा काम किया है। जी हां, नीतीश और लालू दोनों अच्छे हैं, दोनों पर मेरा विश्वास है। पहले नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान एक ही साथ थे। बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग को इतनी सीटों पर नहीं लड़ना चाहिए था। आगे राजकुमारी देवी ने कहा कि बहुत सीटों पर लड़ गए इसलिए ऐसा हाल हुआ, बढ़िया काम करें। राजकुमारी देवी ने कहा कि चिराग उनका बेटा है, माँ दो है पर पिता तो एक ही थे। चिराग अच्छा है बुरा है लेकिन मेरा बेटा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सलाह दी गई है कि दिल्ली के प्रदूषण से बचने के लिए वे कुछ दिन दिल्ली से बाहर चले जाएं। जी हाँ, यानी कि दिल्ली से बाहर रहें। उनके पुराने चेस्ट इन्फेक्शन के लिए डॉक्टरों द्वारा यह सलाह दी गई है। सोनिया गांधी कुछ दिनों के लिए गोवा या फिर चेन्नई में शिफ्ट हो सकती है। जैसे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उनके बाहर जाने की संभावना है और उनके साथ राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा भी होगी। अगस्त में अस्पताल से डिस्चार्ज होने के कारण सोनिया गांधी इलाज से गुजर रही है। जी हाँ, और डॉक्टरों को उनके सीने में हुए संक्रमण की चिंता है। बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने से गदगद एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से एनआरसी के मुद्दे पर वापस आ गए हैं। जी हां, मुसलमानों को भड़काते हुए ओवैसी ने कहा है कि देश में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी कि एनपीआर तैयार करना एनआरसी बनाने की दिशा में पहला कदम होगा। यदि एनपीआर बन गया तो फिर देश में संदिग्ध नागरिकों की सूची भी बना ली जाएगी। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके कहा है कि एनपीआर तैयार करना एनआरसी बनाने की दिशा में पहला कदम होगा। देश में इस तरीके की कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं होनी चाहिए जिससे यहाँ के गरीब लोग संदिग्ध नागरिकों की श्रेणी में आ जाएं। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि एनपीआर बनाने का शेड्यूल फाइनल हो गया है तो फिर उसके विरोध में दोबारा से आंदोलन शुरू हो जाएगा। आपको बता दूं कि देश में अवैध रूप से घुसे बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं और अन्य विदेशियों की पहचान के लिए सरकार देश में एनपीआर तैयार करना चाहती है, जिसका असदुद्दीन ओवैसी और दूसरे मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। जी हाँ, उनका आरोप है कि एनपीआर के बहाने सरकार मुसलमानों को संदिग्ध नागरिकों की सूची में डालकर
कर उनकी नागरिकता छीन लेना चाहती है। सरकार ने पिछले साल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को शरण देने के लिए नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA लागू किया, तो ओबीसी समेत देश भर के मुस्लिम संगठन सड़कों पर उतर गए थे। जी हाँ, उनका तर्क था कि सरकार ने पड़ोसी देशों के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और ईसाइयों को इस कानून में शामिल किया गया है, लेकिन पड़ोसी देशों के बहुसंख्यक मुसलमानों को जानबूझकर छोड़ दिया गया। मुस्लिम संगठनों ने इस मुद्दे पर देश भर में विरोध प्रदर्शन करके कई जगहों पर हिंसा भी की थी। जहां इनमें शाहीनबाग की सड़क पर चला प्रदर्शन भी शामिल था, जिससे सुप्रीम कोर्ट भी खुलवा पाने में नाकाम रही थी। वहीं बिहार चुनाव में शानदार जीत पर असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से मुसलमानों को CAA NRC के नाम पर भड़काने में जुट गए हैं। जहां उनका ताजा ट्वीट इसी नीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। ऐसा करके वे मुसलमानों का एकमात्र नेता बनने की पुरानी कसक को पूरा करना चाहते हैं। चुनाव आयोग ने बिहार से राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। जहां इस एक सीट के लिए उपचुनाव 14 दिसंबर को होगा। ये सीट केंद्रीय मंत्री और लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान के इस दुनिया से चले जाने से खाली हुई है। जी हां, बीते 8 अक्टूबर से ये सीट खाली है। जहां इस सीट का कार्यकाल 2 अप्रैल 2024 तक है। रामविलास पासवान 2019 में इस सीट पर निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। देश में जहां कोरोना संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं विश्व भर में कोरोना वैक्सीन ट्रायल के अंतिम चरण में पहुंच गई है। जी हां, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित वैक्सीन कोविशील्ड भारत में बहुत जल्द उपलब्ध होगी। इस वैक्सीन के विकास में भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की साझेदारी है। पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आदार पुनावाला ने कहा है कि कोविशील्ड भारत में सिर्फ 500-600 रुपए में उपलब्ध कराई जाएगी। हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में पुनावाला ने कहा है कि भारत सरकार को ये वैक्सीन 220 रुपए में उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि इसे अधिक से अधिक लोगों को मुहैया कराया जा सके। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। जी हां, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि लव जिहाद को लेकर बहुत ही जल्द कानून बनाने का प्रस्ताव मिला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि विधि कमीशन की रिपोर्ट और दूसरे राज्यों में लव जिहाद को लेकर बने कानूनों का पहला अध्ययन किया जाएगा, जहां इसके बाद ही नया कानून बनाया जाएगा। बीजेपी की उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लव जिहाद बिल के खिलाफ बनाए जाने वाले प्रस्ताव कानून के मुद्दे पर राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने निराशा जाहिर की है। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने लव जिहाद बिल को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी ने देश को बांटने और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए लव जिहाद शब्द ईजाद किया है। शादी व्यक्तिगत आजादी का मामला है। शादी को रोकने के लिए लाया जाने वाला कोई भी कानून पूर्णतया असंवैधानिक है। अशोक गहलोत ने एक के बाद एक लगातार 3 ट्वीट करके कहा कि ये किसी अदालत में नहीं टिकेगा। प्यार में जिहाद का कोई भी स्थान नहीं है। लद्दाख में भारत और चीन की सेना के बीच तनाव के दौरान भारत सरकार ने इस साल सितंबर में 118 चाइनीज एप्स पर बैन लगाया था, जिसमें पबजी भी शामिल था। सरकार ने पबजी पर चाइनीज कंपनी टेंसेंट से पार्टनरशिप के चलते बैन किया गया था। जी हां, अब कंपनी भारत के लिए अलग से गेम शुरू कर रही है। जी हां, यानी कि पबजी फिर से वापस लौट रही है। कंपनी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक इमेज लगाकर बताया कि पबजी मोबाइल भारत में बहुत जल्द वापसी करेगी। जल्द ही देश में तेज रफ्तार डबल डेकर ट्रेनों का जाल बिछने वाला है। कतरपला ने एक सेमी स्पीड डबल डेक कोच तैयार किया है। जी हां, जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर के जरिए जानकारी दी है। इस डबल डेकर कोच में सभी तरह के मॉडर्न फैसिलिटी दी गई है। जी हां, इस कोच में 120 लोग बैठ सकते हैं। ऊपरी डेक पर 50 यात्री के बैठने की व्यवस्था है और निचली डेक्स पर 48 लोगों के लिए। देश में चल रही दूसरी डबल डेकर ट्रेनों के मुकाबले इस ट्रेन में ज्यादा यात्री बैठ सकेंगे और सफर भी बहुत जल्द पूरा हो सकेगा। शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद अब कांग्रेस युवराज राहुल गांधी और राजद युवराज तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ने लगी है। जी हां, हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने मेवालाल चौधरी के इस्तीफे का स्वागत करते हुए कहा है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद एक बार फिर से यह स्पष्ट हो गया है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार से किसी भी तरीके का समझौता नहीं कर सकते। दानिश रिजवान ने राजद और कांग्रेस नेताओं के लगातार मेवालाल के इस्तीफे की मांग पर सवाल उठाते हुए कहा कि मेवालाल चौधरी ने तो इस्तीफे दे दिया है। तब कांग्रेस नेता और राजद नेता यह स्पष्ट करें कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से हुए लोग कब इस्तीफा मांगेंगे।
देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस अपने नए पार्टी अध्यक्ष को चुनने के लिए बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। जी हाँ, दरअसल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अपना नया अध्यक्ष चुनने के लिए ऑनलाइन वोटिंग कराएगी। इसके लिए कांग्रेस के प्रतिनिधियों को जल्द ही डिजिटल वोटर कार्ड जारी किया जाएगा। इस चुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण ने करीब 1500 कांग्रेसियों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जी हाँ, इसके लिए उसने कांग्रेस की सभी इकाइयों से प्रतिनिधियों की तस्वीरें भेजने के लिए कहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस में नए पार्टी अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी की वापसी देखी जा रही है, लेकिन ऑनलाइन वोटिंग उनके रास्ते में रुकावट डाल सकती है। जहां अगर ऐसा होता है तो फिर इसे कांग्रेस में बड़े उलटफेर की तरह देखा जाएगा। अगर राहुल गांधी दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाते हैं तो इसे यह संकेत मिल जाएगा कि वह पार्टी में निर्विवाद नेता है और सबसे ज्यादा लोकप्रिय भी है। बिहार के डिप्टी सीएम रहते हुए सुशील कुमार मोदी हर दिन तेजस्वी यादव पर निशाना साधते थे। जी हाँ, तेजस्वी पर हमला बोलने का कोई भी मौका सुशील कुमार मोदी नहीं चूकते थे, लेकिन बिहार के नए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का साथ चाहिए। जी हाँ, तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि हमें सरकार चलाने के लिए विपक्ष की तरफ से सकारात्मक भूमिका की उम्मीद है, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने AIMIM को BJP की बी टीम करार देते हुए गुरुवार को कहा है कि राज्य के धर्मनिरपेक्ष विचारों वाले लोग उसे सिरे से खारिज कर देंगे। जी हां, अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के मुसलमान बिहार चुनाव के बाद AIMIM के एजेंडे को अच्छी तरीके से समझ गए हैं, जहां उसने अल्पसंख्यकों के वोट खाकर महागठबंधन को हराने में BJP की मदद की। जी हां, अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि बंगाल के राजनीतिक रूप से सचेत धर्मनिरपेक्ष विचार वाले लोग और मुसलमान AIMIM जैसे पार्टी को कभी भी वोट नहीं देंगे, बल्कि उसके उम्मीदवार की जमानत जब्त करा देंगे। अधीर रंजन चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की नेतृत्व वाली AIMIM भाजपा की बी टीम है और पश्चिम बंगाल में उसके लिए कोई भी संभावनाएं नहीं है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद के आवास पर इस बार भी छठ की रौनक नहीं दिख रही है। जी हां, लालू राबड़ी आवास पर छठ के मौके पर सन्नाटा पसरा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी इस बार भी छठ पूजा नहीं कर रही है। जी हां, ये लगातार तीसरी साल है जब राबड़ी देवी छठ पर्व नहीं कर रही है। जी हां, मिली जानकारी के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं है। इसके अलावा हाल ही में जिस तरीके से बिहार चुनाव के नतीजे सामने आए और कड़ी टक्कर के बावजूद RJD के नेतृत्व वाले महागठबंधन को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिलने से भी उत्साह कम नजर आ रहा है। बिहार का मौसम तेजी से बदल रहा है। जी हां, सीमांचल मिथिलांचल समेत बिहार के अधिकांश जिलों में आसमान साफ है। सीमांचल और मिथिलांचल में सुबह से ही हल्की धूप दिख रही है। तापमान 22 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है और राजधानी पटना में शुक्रवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम यानी कि 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जी हां, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। राजधानी पटना की हवा में आर्द्रता 89% दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि शुक्रवार को आकाश में बादल आए थे, लेकिन शाम तक फिर साफ हो गया था। छठ पर्व को लेकर बिहार में उत्साह का माहौल है। हर आम से लेकर खास तक उत्साह के साथ छठ पर्व मना रहे हैं। जी हां, बिहार की उपमुख्यमंत्री रेणु देवी भी छठ कर रही है। जी हां, पिछले 30 साल से रेणु देवी छठ कर रही है। रेणु देवी खुद से छठ का प्रसाद ठेठुआ बना रही है। जी हां, जो आप फोटो में देख रहे हैं, सुबह से रेणु देवी अपने सुप्रिया रोड स्थित आवास पर छठ का प्रसाद पूरे परिवार के साथ बैठकर बना रही है। लकड़ी से मिट्टी के चूल्हे पर ठेठुआ छठ व्रत अपने हाथ से बनाती है। जी हां, इस पर्व की ऐसी ही तस्वीर इस पर्व को महापर्व बनाता है। जहां रेणु देवी की आवास पर उनका पूरा परिवार छठ पर्व को उत्साह पूर्वक मना रहा है और इस बार छठ रेणु देवी के साथ साथ परिवार के लिए बेहद खास हो गया है, क्योंकि इस बार वे राज्य के उप मुख्यमंत्री बनकर छठ कर रही है। देश की अर्थव्यवस्था को गैस आधारित बनाने की दिशा में पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया है। जहां पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 50 LNG ईंधन स्टेशन की आधारशिला रख दी है। ये LNG स्टेशन देश के सवर्णियम चतुर्भुज और प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार का दावा है कि LNG न सिर्फ 40% सस्ती है बल्कि इससे प्रदूषण भी बहुत कम होता है।
बिहार के औरंगाबाद जिले के नगर थाना क्षेत्र में बाईपास से पहले महेश्वर मंदिर में बगल में स्थित आईडीबीआई बैंक की एटीएम को काटकर अज्ञात चोरों ने करीब 22 लाख रुपए उड़ा ली है, जहां इस घटना को बुधवार रात अंजाम दिया गया है, जिसका पता गुरुवार की सुबह चला। जानकारी मिलते ही नगर थाना पुलिस वहां पहुंची और इसके बाद एसपी भी वहां पहुंच गए। जी हां, घटना की छानबीन करते हुए उन्होंने तत्काल सदर एसडीपीओ को जांच करके रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। बिहार में नई सरकार बनते ही सबसे अधिक सुर्खियां बटोर रहे डॉक्टर मेवालाल चौधरी ने शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण करने के 2 घंटे बाद ही इस्तीफा दे दिया। जी हां, अब इस्तीफे के बाद मेवालाल चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कह दिया है कि उन्होंने नीतीश कुमार की छवि बचाने के लिए खुद इस्तीफा दिया है। बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण करते ही इस्तीफा देने वाले डॉक्टर मेवालाल चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार के सच्चे सिपाही होने के नाते उनके छवि पर किसी तरीके का आंच न लगे, इसलिए मैंने खुद इस्तीफे की पेशकश की। जी हां, मेवालाल चौधरी ने कहा है कि वे जब तक पाक साफ साबित नहीं हो जाते वे इस पद पर नहीं रहेंगे। बिहार के मधुबनी जिले में रहने वाले 22 साल के मुकुंद कुमार झा ने बिना किसी कोचिंग के मात्र 1 साल की तैयारी में ही यूपीएससी की परीक्षा पास करके पहले अटेंड पर में ही आईएएस का पद हासिल कर लिया। जी हां, किसान परिवार में जन्मे मुकुंद ने बचपन से ही आईएएस आईपीएस बनने का सपना देखा और यही सपना जिन्हें लग गए। आपको बता दें कि मुकुंद के पिता किसान हैं और माँ पहले प्राइमरी स्कूल में टीचर थी, अब वो स्कूल छोड़कर बच्चों को पढ़ाने में लगी हुई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वनायड से सांसद राहुल गांधी लंबे समय से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते आ रहे हैं, जहां इसी क्रम में उन्होंने आज कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन को लेकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने सरकार के कदमों को गरीबों के अधिकारों को कुचलने वाला करार दे दिया है। मीडिया में छपी एक खबर का हवाला देते हुए कोरोना महामारी के दौरान देश में लागू लॉकडाउन के तुगलकी फरमान बताया है। जी हां, इसके साथ ही उन्होंने किसानों को उनकी मनरेगा की कमाई भी नहीं निकालने देने का भी मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि पहले किया तुगलकी लॉकडाउन, करोड़ों मजदूरों को सड़क पर ले आए, फिर उनके एकमात्र सहारा मनरेगा की कमाई को बैंक से निकालना दुभर किया। सिर्फ बातों की है मोदी सरकार, कुचल रही गरीबों के अधिकार। किशनगंज में नॉर्थ ईस्ट के लिहाज से सामरिक रूप से महत्वपूर्ण माने जाने वाले NH 327E पर भारी वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया है। जी हां, अररिया सिलीगुड़ी मुख्य मार्ग पर पौवाखाली LRP चौक के समीप भारी वाहन के परिचालन पर रोक लगाने के लिए बैरियर का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दूं कि NH 327E पर मीर भिट्टा गांव के पास बना पुल के धंसने से बैरियर बनाकर गुरुवार शाम से रोक लगाई गई है। NHAI के अररिया संभाग के कनीय अभियंता उमेश सिंह के द्वारा बैरियर बनवाया जा रहा है। जहां मौके पर कनिया अभियंता ने बताया कि बैरियर निर्माण के बाद भारी वाहनों के परिचालन पूरी तरीके से रोक लगा दी जाएगी। बैरियर का निर्माण पुल के दोनों ओर किया जा रहा है ताकि भारी वाहनों के दबाव से पुल को और अधिक क्षति नहीं पहुंचे। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 495 लोग नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जहां इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,29,969 हो गई है। जहां बिहार में फिलहाल 6,267 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं, जिसका इलाज अभी चल रहा है। ब्यौर जेल में भी लोक आस्था के महापर्व छठ की धूम है। जी हां, जेल के 39 कैदी इस बार छठ व्रत कर रहे हैं, जिसमें 18 पुरुष और 21 महिलाएं बंदी शामिल है। बीते बुधवार को कैदियों ने नहाए खाए तथा गुरुवार को खरना का खीर और घी की रोटी का प्रसाद ग्रहण किया। जेल प्रशासन की ओर से छठ व्रत को लेकर पूरी व्यवस्था की गई है। महिला और पुरुष व्रतियों के लिए अलग अलग जल कुंड बनाए गए हैं। यह व्रत संज्ञा और प्रातकालीन अर्घ्य देंगे। पूजन सामग्री के साथ प्रसाद की व्यवस्था जेल प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई गई है। भारत में कोरोना के मामले लगातार रफ्तार पकड़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के 9 मिलियन मामले दर्ज करने वाला भारत अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा देश बन गया है। जहां वही राहत की बात यह है कि आंकड़ों को 8 मिलियन से ऊपर पहुंचने में 22 दिनों का समय लगा, जो कि किसी भी देश में कोरोना संक्रमण की बढ़ने की धीमी रफ्तार है। जी हां, हाल ही में हफ्तों में कोरोना के मामलों में कमी देखी गई है। कल भारत में कोरोना संक्रमण का एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है। जी हां, भारत में महज एक दिन में 46,060 मामले सामने आए हैं। इसी तरीके से इसका आंकड़ा 90,03,800 पर पहुंच गया है।
बिहार के नए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने पद संभालने के साथ ही राजनीतिक पंडितों को अचंभित कर दिया है। यह तारकिशोर की जन्मस्थली कोसी और कर्मस्थली सीमांचल है। यह भाजपा से चार बार विधायक चुने गए तारकिशोर का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। इसके बाद भी उन्होंने कभी भी चुनावी हार का मुंह नहीं देखा है। वे अक्टूबर 2005 से लगातार कटिहार सीट से विधायक हैं। पिछले चुनाव 2015 में जदयू राजद गठबंधन के बाद भी कटिहार सीट पर तारकिशोर को ही सफलता मिली थी। शायद यही कारण है कि भाजपा ने लगभग एक दशक बाद सुशील कुमार मोदी की जगह तारकिशोर प्रसाद को डिप्टी सीएम की जिम्मेवारी सौंपी है। सुशील कुमार मोदी के सभी विभाग भी तारकिशोर प्रसाद को मिल गए हैं। जी हां, सुशील कुमार मोदी के बारे में पूछने पर तारकिशोर का कहना है कि वे हमारे संरक्षक हैं, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, उन्हें डिप्टी सीएम से भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। बिहार की राजनीति से अचानक सुशील कुमार मोदी के हटने के सवाल पर तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि मैं इस पर कुछ भी नहीं कह सकता, बस यही कहूंगा कि पार्टी का निर्णय था और हम सभी कार्यकर्ता पार्टी और राष्ट्र के हित में शीर्ष नेताओं द्वारा दी गई जिम्मेवारी को पूरा कर रहे हैं। जी हां, 1956 में सहरसा के सलखुआ में जन्मे तारकिशोर प्रसाद का परिवार मिर्चाई बाड़ी में पारंपरिक व्यवसाय करता है। लेकिन तारकिशोर प्रसाद ने पारिवारिक व्यवसाय में जाने के बजाय आरएसएस में शामिल हो गए। इस दौरान कई जिला स्तरीय पदों पर भी रहे। उन्होंने 1980 में एबीवीपी ज्वाइन कर ली और छात्रों से जुड़े कई मुद्दों को उठाया। उनका राजनीति के प्रति समर्पण ही था कि जो भाजपा ने 2005 में टिकट दिया। जी हां, उन्होंने भाजपा और उनके नेताओं को निराश भी नहीं किया, चुनाव जीतकर विधायक बने। तारकिशोर का जन्म भले ही कोसी में हुआ हो, लेकिन सीमांचल के कटिहार की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। इस बारे में उनका कहना है कि मैं दोनों क्षेत्रों को अपना मानता हूं, अब तो पूरे बिहार के बारे में मैं सोच रहा हूं। उन्होंने कहा है कि मेरे पद पर आने के बाद दोनों क्षेत्रों के लोगों की उम्मीद बड़ी है, मैं लोगों को कभी भी निराश नहीं करूंगा। प्रदेश जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक पल भी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के आरोपों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसी का नतीजा है कि मेवालाल चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा। जदयू प्रवक्ता ने कहा है कि यदि तेजस्वी यादव की नैतिकता इतनी झकझोर रही है तो वे इस्तीफा दे दे, इस्तीफा देकर मिसाल पेश करें। उनके ऊपर तो मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर अवैध संपत्ति, जमीन कब्जा, आय अधिक संपत्ति घोटाला, घपला सहित दर्जनों मामले दर्ज हैं। तेजस्वी यादव दूसरों का खुलासा छोड़ें, अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें। संजय सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस पर अडिग रहने वाले व्यक्ति हैं। मेवालाल चौधरी से इस्तीफा लेकर उन्होंने मिसाल कायम की है। बिहार समेत पूरे देश में छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। जी हां, छठ को लेकर बढ़ती भीड़ को कम करने के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने राजधानी पटना से बिहार के विभिन्न शहरों के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने की हरी झंडी दे दी है। छठ महापर्व में यात्रियों की सुविधा के लिए ये ट्रेनें 20 नवंबर से 30 नवंबर के बीच चलाई जाएगी। पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पटना से सहरसा, जयनगर समेत 7 जगहों के लिए कुल 7 इंटरसिटी ट्रेनें चलाई जाएगी। ये ट्रेनें 20 नवंबर से 30 नवंबर के बीच चलाई जाएगी। जी हां, ये ट्रेनें पूरी तरीके से आरक्षित होगी, बिना रिजर्वेशन के इसमें कोई भी यात्रा नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार 3C क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म में समझौता नहीं करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। जी हां, विभिन्न आरोपों की वजह से उनके मंत्रिमंडल में शामिल आधा दर्जन मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा है। अपनी पहले ही सरकार में उन्होंने मंत्री बनाने के 24 घंटे के भीतर जीतन राम मांझी का इस्तीफा लिया, फिर रामानंद सिंह को पद छोड़ना पड़ा। जी हां, 19 मई 2011 को कोर्ट द्वारा फरार घोषित होने के बाद सहकारिता मंत्री रामाधार सिंह ने इस्तीफा दे दिया। अक्टूबर 2015 में स्टिंग ऑपरेशन में 4 लाख घूस लेते पकड़ाए निबंधन उत्पाद मंत्री अवधेश कुशवाहा ने इस्तीफा दिया। बालिका गृह कांड के बाद सीबीआई की तलाशी के दौरान ससुराल से गैर कानूनी चीज बरामद होने पर 2018 में तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा से इस्तीफा लिया। जी, इस कड़ी में महज 3 दिन के मंत्री मेवालाल चौधरी का भी नाम जुड़ गया है। बिहार सरकार के नए शिक्षा मंत्री और जेडीयू नेता मेवालाल चौधरी के गुरुवार को मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भी मामले में राजनीति जारी है। जी, विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर हमलावार हैं और लगातार सरकार को घेर रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर निशाना साधा है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बिहार सरकार में भ्रष्टाचार के आरोपों को शिक्षा मंत्री बनाया गया, लेकिन जब सरकार की भद पिट गई, चारों ओर किरकिरी हुई, तब उन्होंने इस्तीफा लिया। तेजस्वी यादव लगातार इस मामले को उठा रहे थे, लेकिन सिर्फ इस इस्तीफे से काम नहीं चलने वाला है, अब बिहार सरकार को जवाब देना होगा। उन्होंने इस भ्रष्टाचारी को मंत्री क्यों बनाया, जहां ऐसे में असली गुनाहगार तो वह है। उन्होंने कहा है कि सरकार अभी कटघरे में है और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाले नहीं है। अभी एक ही विकेट गिरा है, अभी तो कप्तान को इस्तीफा देना बाकी है, जहां जो असली दोषी है। उन्होंने पहले भ्रष्टाचारी को विधायक का टिकट दिया और बाद में मंत्री बनाया। ऐसे में एनडीए की डबल इंजन की सरकार
कार्ड जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर कटघरे में है, तेजस्वी इससे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं और सड़क से लेकर सदन तक इस सरकार को घेरने का काम करेंगे। मुजफ्फरपुर जिले के गायाघाट थाना क्षेत्र के बेरुआ मोड़ से लाल रंग की तबेरा कार लूटकर दरभंगा की ओर भाग रहे दो अपराधी को सिमरी थाना की पुलिस ने NH57 के 4 लेन पत्न मिथिला चौक पर दबोच लिया, यानी कि पकड़ लिया। लूटी गई कार और गैर कानूनी सामान बरामद करके गायाघाट पुलिस के हवाले कर दिया गया। जी हाँ, गिरफ्तार अपराधी की पहचान कर ली गई है। दोनों दरभंगा जिला के मनीगाछी थाना क्षेत्र के बोरहरवा गाँव के निवासी हैं। दोस्तों, आज का न्यूज बस यहाँ तक, कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।